ईंट से मारने का प्लान है तुम्हारा? ये एक ढांचा है, एक राजा के हथियार का, एस्गार्ड का सबसे बेहतरीन हथियार। कहते हैं कि ये बायफ्रॉस्ट को भी बुला सकता है। इसका कोई नाम है? स्टॉर्म ब्रेकर। क्रेटोस एंड थोर दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही सिमिलर हैं, और अब वो तो सेम माइथोलॉजी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ सबसे सिमिलर है तो वो है इनका वेपन। जहां एक तरफ हमारे थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, तो दूसरी तरफ क्रेटोस के पास है लवाइदन एक्स। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com, और आज हम डिटेल में जानेंगे इन दोनों वेपन्स के बारे में, प्लस इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और कौन है ज्यादा पावरफुल। सबसे पहले जानते हैं इन दोनों वेपन्स के बीच की सिमिलैरिटीज के बारे में। इन दोनों के बीच की सबसे सिंपल सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों वेपन्स को कहीं भी फेंकने के बाद ये अपने ओनर के पास वापस आ सकते हैं। इन दोनों वेपन्स के बीच में बस यही एक सिमिलैरिटी है, और बस इसी सिमिलैरिटी की वजह से हमें लगता है कि ये दोनों वेपन्स आपस में सिमिलर हैं। अब बात करते हैं इन दोनों वेपन्स के पास मौजूद पावर्स के बारे में। स्टॉर्म ब्रेकर के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो थॉर के फोकस और पावर को इनहेंस कर देता है, और ये इन्फिनिटी स्टोन से बनाए गए एनर्जी ब्लास्ट के सामने भी बिना किसी खरोच खाए खड़ा रहता है। और साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर के पास है पावर बायफ्रॉस्ट ब्रिज खोलने की, जिससे थॉर कहीं भी अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। और इन सब के साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करने वाला आसानी से फ्लाई भी कर सकता है। और एक इंटरव्यू में राइटर क्रिस्टोफर मार्कस ने बताया था कि ये सबको पता है कि स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गाउंटलेट इन दोनों को बनाने वाला इट्री है। सो इसी वजह से इट्री ने स्टॉर्म ब्रेकर को इतना पावरफुल बनाया है कि वो आसानी से इन्फिनिटी गाउंटलेट को भी डिफीट कर दे। और इट्री ने यह भी कहा था कि स्टॉर्म ब्रेकर एस्गार्ड के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन है। सो ये सब पावर्स थी स्टॉर्म ब्रेकर की। अब बात करते हैं लवाइदन एक्स की पावर्स के बारे में। लवाइदन एक्स को बनाया था सिंड्री एंड ब्रॉक ने, लेकिन क्रेटोस के लिए नहीं, उसकी वाइफ लॉफे के लिए। और लॉफे ने अपनी डेथ से पहले ये वेपन क्रेटोस को दे दिया था। क्रेटोस के एक्स की एक खासियत ये है कि इसके मैजिक और स्ट्रेंथ को अपग्रेड किया जा सकता है। फ्रीजिंग थ्रो एंड फ्रीजिंग बर्स्ट। फ्रीजिंग थ्रो लवाइदन एक्स का एक ऐसा पावर है जिससे क्रेटोस अपने एनिमीज पे पावरफुल अटैक करके उन्हें थोड़ी देर तक फ्रीज कर देता है, और इससे सारे एनिमीज पे बहुत ही हैवी डैमेज होता है। और फ्रीजिंग बर्स्ट अटैक से एनिमी बहुत ही स्लोली मूव करता है। हंटर किल। ये एक ऐसी पावर है लवाइदन एक्स की जिससे क्रेटोस अपने एनिमीज पे एक साथ कई टारगेट लगा के, और फिर लवाइदन एक्स एनिमी के बॉडी पे लगाए गए हर टारगेट पे हिट करता है, और क्रेटोस मैक्सिमम 8 टारगेट लगा सकता है अपने एनिमीज पे। टायर्स रिवेंज। टायर्स रिवेंज एक बहुत ही पावरफुल स्पिनिंग अटैक है जो क्रेटोस करता है अपने सिंगल टारगेट पे लवाइदन एक्स से, और ये अटैक एनिमी पे बहुत ही भारी डैमेज भी देता है। Wrath of the Frost Ancient। क्रेटोस लवाइदन एक्स से एक बहुत ही पावरफुल बीम बनाता है, और एनिमी जैसे ही बीम के कांटेक्ट में आते हैं वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं। Breath of Thamer। ये एक ऐसा अटैक है लवाइदन एक्स से जिससे क्रेटोस बहुत ही लार्ज एरिया में अपने एनिमी पे अटैक करता है, और ये अटैक बहुत ही हैवी अटैक है, यानी कि ये एक बार में ही बहुत ही लार्ज एनिमीज पे अटैक करता है और उन्हें भारी डैमेज भी दे देता है। ग्लेवस्टॉर्म। ग्लेवस्टॉर्म एक ऐसा अटैक है लवाइदन एक्स से जो कि ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है जैसे ही क्रेटोस अपने एक्स को थ्रो करता है। लवाइदन एक्स खुद से ही सारे एनिमीज के पास जाके उन्हें हिट करता है, यानी कि उस वक्त जो कोई भी लवाइदन एक्स के सामने आया वो तो समझो गया। मिस्ट ऑफ हेलहीम। इस अटैक से क्रेटोस अपने आसपास के ग्राउंड में एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देता है जिस एरिया में अगर कोई भी एनिमी आता है तो उन एनिमीज को फ्रॉस्ट डैमेज झेलना पड़ता है, और ये अटैक करीब 1 मिनट तक लास्ट करता है। So, ये थी कुछ पावर्स लवाइदन एक्स की। वैसे देखा जाए तो ये पावर्स कम स्किल्स ज्यादा हैं, क्योंकि लवाइदन एक्स में एक बहुत ही मेन पावर है और वो है फ्रॉस्ट डैमेज, और क्रेटोस इसी डैमेज को बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज करता है अपने एनिमीज के खिलाफ, एंड तब भी लवाइदन एक्स बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये हमेशा अपग्रेड होता रहता है। और दूसरी तरफ स्टॉर्म ब्रेकर है जो एस्गार्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, और इन दोनों पावर्स का कोई मैच नहीं, और इन दोनों वेपन्स में कौन विनर है इसका डिक्लेयर आज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बस एक प्रिपरेशन वीडियो है गॉड ऑफ वॉर वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थंडर की, यानी कि थॉर वर्सेस क्रेटोस, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा वेपन है ज्यादा पावरफुल, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग और मूवी बडीज के साथ, एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर ग्रास्प को सब्सक्राइब करके।